CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सावित्री बाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। हमने बहुत से सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं और पुरुषों के बारे में पढ़ा है। उनमें से आज एक विशेष महिला के व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। जरा सोचिए, अपने संघर्ष के दिनों में एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्ग में कोई उस पर धूल फेंकता है, कोई गोबर और कोई पत्थर, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से कभी विचलित नहीं हुई। अपने विद्यालय में वो एक लक्ष्य लेकर जाती थी कि शिक्षा का प्रसार रुकना नहीं चाहिए। वो अपने विद्यालय की बालिकाओं के साथ विनयपूर्वक बात करती थी और यही नहीं, वो स्वयं भी अपने अध्ययन में लीन रहती थी। और इस तरह उनका अध्ययन और अध्यापन कार्य साथ साथ चलता रहता था। कौन है ये महिला, क्या आप उसे जानते हैं? जी हाँ, ये है महाराष्ट्र की, या यूं क्यों ना कहें कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले। तो क्यों ना आज हम इस महान महिला के बारे में बात करें, और बात की शुरुआत उनके जीवन के प्रारंभ से करें तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, तो बात शुरू करते हैं उनके जन्म से। तो बताएं, उनका जन्म कब और कहां हुआ? उनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडूजी था। और उन दिनों भारत में बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। जी हाँ, इसलिए 9 वर्ष की आयु में ही सावित्री बाई का विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। उस समय ज्योतिबा फुले भी केवल 16 वर्ष के ही थे। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए सावित्री बाई के मन में बचपन से ही पढ़ने की, शिक्षा पाने की और अध्ययन की जो अभिलाषा थी, उसे ज्योतिबा फुले के सहयोग से और ऊर्जा मिली। शिक्षा पाने से जो वैचारिक आकाश सावित्री बाई को मिला, उसे वे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थीं। बिल्कुल, भारत की हर महिला को शिक्षा मिले, इस भावना ने उनके मन में गहरी जड़ पकड़ ली थी। और 1848 में सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे नगर में प्रदेश का, या यूं कहें भारत का, पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया। जी हाँ, और जानते हैं उस समय उनकी आयु क्या थी? जी क्या? मात्र 17 वर्ष। अच्छा। हाँ, इन्होंने 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता से प्रभावित और समाज से तिरस्कृत बालिकाओं के लिए भी एक विद्यालय आरंभ किया। यही नहीं, सावित्री बाई ने सामाजिक कुरीतियों का भी बहुत विरोध किया। हाँ, सावित्री बाई ने विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन नामक प्रथा को बंद करने के लिए बहुत काम किया। इसके लिए वो स्वयं नाई समुदाय से मिली, उनसे बात की, उन्हें समझाया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों ने इस रूढ़िवादी परंपरा से दूरी बना ली, और इस तरह से शुरुआत हुई सामाजिक जागरण की। सावित्री बाई फुले संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रही। उन्हें मालूम था कि जीत सत्य की ही होती है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उनके संघर्ष को दर्शाती हैं। जैसे, पता है एक बार क्या हुआ? क्या? एक बार सावित्री बाई ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने तथा कथित निम्न जाति की कुछ महिलाएं प्यास से बेहाल थीं और पीने के लिए पानी मांग रही थीं। अच्छा। लेकिन तथा कथित उच्च वर्ग की कुछ महिलाएं उनका उपहास करती रहीं और साथ ही उन्हें पानी लेने से भी मना करती रहीं। सावित्री बाई उन महिलाओं का ये अपमान सह ना सकी
वे उन प्यासी महिलाओं को स्वयं तालाब पर ले गईं और तालाब को दिखाते हुए बोली, यहाँ से जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। ये तालाब सार्वजनिक है, जल लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है, जल पर सबका समान अधिकार है। इस घटना से समाज के दबे कुचले लोगों में साहस का संचार हुआ और उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा होने लगी। सावित्री बाई फुले ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था शिशु हत्या प्रतिबंध गृह। और इतना ही नहीं, इन्होंने मनुष्य मात्र की समानता और स्वतंत्रता का सदैव समर्थन किया और महिलाओं के उत्थान के लिए महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की। साथ ही उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सत्यशोधक मंडल के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में भी सावित्री की सक्रिय भूमिका रही। सावित्री बाई फुले ने अपने प्रशासन कौशल के द्वारा अनेक संस्थाओं का संचालन किया। और इतना ही नहीं, विपत्ति काल तथा प्लेग रोग जैसी महामारी के समय में भी इन्होंने पीड़ित लोगों की सेवा की। पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में भी इन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। बिल्कुल, और जाति पाति के भेदभाव से दूर वो हर रोगी की देखभाल में इतनी रम गई कि वो स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करने लगी। और इसी दौरान वो स्वयं भी प्लेग जैसे उस समय के एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1897 ईस्वी में सावित्री बाई फुले इस संसार को छोड़कर सदा सर्वदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गईं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रचित पुस्तकों के माध्यम से वो आज भी जीवित हैं और हमें प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल, सावित्री बाई फुले ने काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर नामक दो काव्यों की रचना की जो बहुत प्रसिद्ध हैं। महिला उत्थान के लिए सावित्री बाई फुले का जीवन, चरित्र, उनका कार्य और उनका लेखन प्रेरक और अनुकरणीय है। सावित्री बाई फुले, आपको हर भारतवासी का प्रणाम। प्रणाम। सावित्री बाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT। अनुवाद डॉक्टर वेद प्रकाश, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार वैभव श्रीवास्तव और नेहा वत्स। ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।